हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं पालक की पकौड़ी। ये हमने 250 ग्राम पालक लिया था। इसको हमने अच्छी तरह पानी से धो के काट लिया है और इसको सूख पानी निचोड़ने के लिए रख दिया था। पालक की पकौड़ी बनाने के लिए हम पहले इसमें बेसन डालते हैं, थोड़ा इसमें अरारोट, इससे हमारी पकौड़ी खस्ता होगी। अरारोट से हमारी पकौड़ी कुरकुरी होगी। इसमें हम ये आधा चम्मच पिसी हुई मिर्च, थोड़ी सी हल्दी, आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच जीरा, ये है कटी हुई हरी मिर्च। अब हम इसको अच्छी तरह मिला लेंगे हाथ से। इसमें हमें पानी नहीं डालना है, इसको इसी तरीके से मिलाना है क्योंकि पानी हमारा थोड़ा बहुत पालक में होगा। तरीके से हम मिलाएंगे पालक को, हम अच्छी तरह मिला रहे हैं। देखिए, ये हमने मिला लिया। अब इसमें हमें बेसन कम लग रहा है, हम थोड़ा सा और डाल देते हैं। ये देखिए, हम थोड़ा सा और डाल रहे हैं, इसको मिला लेंगे। ये देखिए, हमने अच्छी तरह मिला लिया है। तेल हमने गर्म होने के लिए रख दिया था कढ़ाई में। अब हम पकौड़ी पालक की बनानी शुरू करते हैं। तेल हमारा गर्म हो चुका है, अब हम पकौड़ी बनानी शुरू करते हैं। देखिए, पकौड़ी हमारी सिक रही है, इसको हम पलट देते हैं। ये सभी पकौड़ियों को हमने पलट दिया है, अब इनको हम सिकने देंगे। पकौड़ी पालक की हमारी सिक चुकी है, अब इसको हम निकाल लेते हैं। ये देखिए, पकौड़ी हमारी सिक चुकी है, इसको हमने निकाल लिया है। अब हम सभी पकौड़ियां इसी तरीके से सेकेंगे। ये भी हम इसी तरीके से डालेंगे। इनको भी हम इसी तरीके से पलट देंगे। ये देखिए, ये भी हमारी पकौड़ी सिक रही है, इसको हम निकाल लेते हैं। ये अच्छी तरह सिक चुकी है। सभी पकौड़ी हमने निकाल ली है, अब हम इसको प्लेट में कर लेते हैं। पालक की पकौड़ी हमारी बन के तैयार हो चुकी है। ये देखिए, ये कितनी कुरकुरी हो रही है, ये खाने में भी बहुत मजेदार लगती है। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें। फिर मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज।